कहानी है आप सबके लिए. इस कहानी का उन्वान है पीले साफे वाली. एक रोज स्कूल में प्रिंसिपल साहिबा ने अनाउंस किया कि सभी बच्चों को ये सूचित किया जाता है कि कोई भी लंच के समय में स्कूल से बाहर ना जाए. सुनने में आया है कि स्कूल के अतराफ में एक पीले साफे वाली औरत है जो बच्चों को आके अगवा कर लेती है. इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से कोई भी बच्चा लंच के टाइम स्कूल से बाहर ना जाए. प्रिंसिपल का अनाउंसमेंट ख़त्म होते ही क्लास टीचर ने दोबारा से इस पर जोर दिया और कहा, आप सब दसवीं कक्षा के बच्चे हो, आपको इस चीज़ पर एहतियात बरतना होगा क्योंकि आपके जूनियर्स भी आप ही को देखकर सीखेंगे. तभी क्लास में जेम्स अपनी पास में बैठी दोस्त शालिनी को कूनी मार के कहता है, यार आज बटरस्कॉच आइसक्रीम खाएंगे. शालिनी कहती, तू पागल है क्या, अभी सुना नहीं प्रिंसिपल ने क्या कहा. अरे यार, वो पीले सफ़े वाली औरत बच्चों को अगवा करके ले जाती है, हम जैसे घोड़ों को नहीं. बोलते, तू पागल हो गया जेम्स, कैसे जाएंगे, अगर नीचे जाएंगे तो वॉचमैन होगा, टीचर्स होंगे, पकड़ लेंगे, बेइज्जती होगी. अरे यार, ये तो गलत है यार, एक हफ्ते से बटरस्कॉच आइसक्रीम का प्लान बना रहे और आज मैं मान गया हूँ तो तू ऐसा मेरे को बहाना दे रही है. देखो, आना ही होगा, कुछ भी करके आना ही होगा. शालिनी जेम्स की बातों में आ गई और दोनों आइसक्रीम खाने चले गए. जब वे दोनों आइसक्रीम खा रहे थे तब पास ही में एक फुग्गे वाला भी था, जहाँ पर एक 37 साल की महिला एक 8 साल की बच्ची के साथ फुग्गे खरीदने के लिए आई. बच्ची आसपास की ही स्कूल में पढ़ती थी, उसके यूनिफॉर्म से पता चल रहा था. बच्ची ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उस औरत ने झाड़ते हुए से कहा, चुप हो जा वरना एक रख के दे दूंगी. जैसे ही ये कहा तो जेम्स और शालिनी का ध्यान उस औरत की तरफ गया. उस औरत ने भी पीले रंग का साफा पहना था और उसे देखते ही जेम्स बोला, पीले साफे वाली. आइसक्रीम वेंडर के भी कान खड़े हो गए. उसने मोबाइल निकाला और उस औरत की तस्वीर ली और अपने सभी स्ट्रीट हॉकर्स और दूसरे व्यापारी दोस्तों में उसे सर्कुलेट कर दिया. फिर क्या था साहब, कुछ ही मिनटों में 70 से 80 लोगों की भीड़ जमा हो गई. कुछ औरतें थी, कुछ अधेड़ उम्र के लोग थे, कुछ बुजुर्ग थे. भीड़ आई, भीड़ ने आके उस बच्ची को उस औरत से छुड़ाया. वो बच्ची रोती रही और उस औरत ने भीड़ के इस कार्रवाई पर कहा, अरे वो तो, और उतने में पीछे से किसी ने आकर उस औरत के सिर पर लाठी दे मारी. फिर क्या, भीड़ उस औरत पे उस तरीके से टूट पड़ी जिस पर जैसे मांस के एक टुकड़े पर चील और कौवे टूट पड़ते हो. भीड़ का ये रूप देखकर जेम्स और शालिनी बहुत घबरा गए. जेम्स स्कूल की तरफ भागा और शालिनी भीड़ से बचने के लिए सड़क के दूसरी ओर. जब वो ऐसा कर रही थी तब पीछे से एक तेज ट्रक आया और उसने आके शालिनी को उड़ा दिया. वलते दिन जब जेम्स स्कूल आया तो क्लास शुरू होने से पहले प्रिंसिपल ने दोबारा अनाउंस किया कि बीती रोज मना करने के बावजूद भी क्लास 10th ए की स्टूडेंट शालिनी शर्मा ने नियम का उल्लंघन किया और हादसे से बचने के लिए वे सड़क की दूसरी ओर गई, मगर दुर्भाग्य से पीछे से एक चलती ट्रक ने आके उसे उड़ा दिया. और भीड़ ने जिस औरत को बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर मारा था, ये समझ के कि वो पीले साफे वाली औरत है, दरअसल में वो पीले साफे वाली औरत नहीं थी. उसने इत्तेफाक से केवल पीले रंग का साफा पहना था, जिसके चलते किसी ने मोबाइल पर व्हाट्सएप के ज़रिए ये अफवाह उड़ा दी कि ये वही औरत है पीले साफे वाली जो बच्चों को अगवा करके ले जाती है. वो औरत तो एक निर्दोष नागरिक थी जो अपने बच्ची के साथ वहाँ पे फुग्गे खरीदने आई थी. और इसके बाद प्रिंसिपल ने दोबारा से जोर देते हुए ये कहा कि दोबारा से ये कहा जाता है कि कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर ना जाए लंच के समय में, क्योंकि पीले साफे वाली औरत अब भी घूम रही है. अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी बच्चे खड़े हो जाए और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके हमारी स्टूडेंट शालिनी शर्मा के लिए और उस निर्दोष नागरिक के लिए प्रार्थना करें. सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं, क्लास में एक सन्नाटा सा होता है और सभी प्रार्थना में लगे होते हैं. वहीं एक कोने में जेम्स खड़ा होता है जिसके जहन में बीते कल का मंजर चलता है. उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे वाकया ध्यान में आता है जहाँ पे जब भीड़ ने उस बच्ची को उस औरत से जुदा किया था तो वो बोलते बोलते ये रह गई, अरे वो तो मेरी बेटी है. थैंक यू.